वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। छत्तीसगढ़ में मंगल कामना और विघ्न के नाश के लिए कुश से बने घोड़े का प्रहार करवाने की सालों पुरानी परंपरा है। इस परंपरा को निभाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने हाथों में कोढ़े पड़वाए। मुख्यमंत्री ये परंपरा निभाने जांजगीर चांपा पहुंचे और वहां उन्होंने अपने ऊपर कोढ़े पड़वाए। गांव के बीरेन ठाकुर ने सीएम पर कोढ़े से प्रहार किया। मुख्यमंत्री हर साल कोढ़े पड़वाने जांजगीर जिला पहुंचते हैं। पहले भरोसा ठाकुर कोढ़े से प्रहार करते थे, इस बार ये परंपरा उनके बेटे बीरेन ठाकुर ने निभाई। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि गोवर्धन पूजा गोवंश की समृद्धि की परंपरा की पूजा है। जितना समृद्ध गोवंश होगा उतनी ही हमारी तरक्की होगी। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा इतनी लोकप्रिय होती है। लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। हर साल आप लोगों के बीच में मैं सुबह सुबह पहुँचता हूँ और परंपरा को निभाता हूँ। आगे भी ये होता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी ग्रामीण संस्कृति के पर्व कृषि को बढ़ावा देने वाले पर्व हैं। पर्व के माध्यम से हम जमीन से जुड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा हमारे पूर्वजों ने बहुत सुंदर छोटी छोटी परंपराएं बनाई हैं। इन परंपराओं को निभाना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे निभाते हैं तो हमारे जीवन में उल्लास भरता है। इसी उल्लास के लिए वो यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने कहा उल्लास से भरे लोगों के चेहरे देखकर अनुभव होता है कि हमारा प्रदेश सांस्कृतिक रूप से कितना समृद्ध है और हम इस सांस्कृतिक समृद्धि को किस तरह धरोहर के रूप में सहेजे हुए हैं। देखिए ये वीडियो। तो ये था सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की परंपरा पर हमारी रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।